गाइज वेलकम बैक टू कंचन शर्मा ब्लॉग्स। सो गाइज आज मैं अभी बस रेडी होके निकल रही हूँ हिंदू काउंसिल की मीटिंग के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग की वॉचिंग। सो गाइज आज की मीटिंग है रघुवंश भवन में और देखिए यहाँ पे मेरी फ्रेंड्स भी आ गई है मनीषा, और आज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मीटिंग में किस तरह से, अभी होली फेस्टिवल चल रहा है तो होली फेस्टिवल की जो सेलिब्रेशन है, वाइव्स आपको पूरी लेडीज मीटिंग में आएंगी और यहाँ पे जो भी टाइमली पहुंच जाता है उसके लिए बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे टोकन ऑफ गिफ्ट जो है वो रखा जाता है। सो आज है रूलर और यहाँ हम लोग सबसे पहले आके साइन करते हैं और दिस इज वेरी गुड वे ऑफ मेकिंग यू नो कीपिंग पंक्चुअलिटी इन द विद इन द लेडीज की आपको कुछ छोटा सा गिफ्ट दिया जाता है। आज था रूलर, सो इट्स वेरी यूजफुल एक्चुअली फॉर किड्स। और देखिए क्या बढ़िया डेकोरेशन हुई है होली की यहाँ पे पूरा। सो गाइज अभी मीटिंग जो है वो प्रार्थना के साथ शुरू होती है और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है मन की बात। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कभी भी मीटिंग हो या कोई प्रॉब्लम हो जनरल, तो आप कम करें और प्रॉब्लम में जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो अच्छी तरह से सुने तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। सो गाइज यहाँ पर अभी अनीला आंटी ने बहुत ही सुंदर तरीके से होली की पूरी कथा जो है वो हमें सुनाई कि किस तरह से प्रहलाद को जान से मार डालने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बोला कि वो उसको लेके अग्नि में बैठ जाए और उसमें वो, क्योंकि उसको वरदान मिला हुआ था कि वो नहीं जल सकती है, बट फिर भी वो होलिका जो है वो जल के भस्म होगी और भक्त प्रहलाद जो है वो साफ साफ बच गए। सो गाइज इस तरह से हमें देखने के लिए मिलता है कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रहलाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने के बाद भक्त प्रहलाद के बचने की खुशी में अगले दिन से रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हुई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होलिका दहन का जो है वो रिवाज बन चुका है और गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है और भाईचारे की इससे स्थापना होती है और आपसी प्रेम जो है वो बना रहता है हर सोसाइटी में। सो इसी तरह बहुत सारे इंडिया में हर जगह पे होली बहुत ही ज़्यादा मनाई जाती है, ब्रज में होली। सो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर केन्या में बैठ के भी होली मना रहे हैं। सो इट्स जस्ट अवर ऑल द यू नो ऑस्पिशियस डेज विच वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीवेयर इन केन्या ऑल्सो। सो इट्स अमेजिंग इजंट इट कि इंडियन कहीं पे भी चले जाएं हम लोग, पर अपने जो सारे तीज त्योहार हैं वो सब अच्छी तरह से मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और मुझे लगता है ये तीज त्योहार ही है जो हमें इकट्ठा बांध के रखते हैं और जिसके कारण हम एक जगह एकजुट होके सारे के सारे फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सो गाइज इसमें ओनली सेलिब्रेशंस नहीं होती है हिंदू काउंसिल की मीटिंग में, वी जस्ट ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स इन दीज मीटिंग। सो आज हमें मीरा ठक्कर जी ने पूरा एक्सप्लेन किया हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस। बायोकेमिकल बेस्ड ऑन साइंस होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन क्वांटम टेक्नोलॉजीज साइंस ऑफ स्ट्रेस इलेक्ट्रोमेडिसिन बायोफीडबैक बायोरेजोनेंस नॉट वाइब्रेट दैट आर नॉट चार्ज दैट आर नॉट एनर्जाइज्ड All diseases in this result of an energy that vibrates at wrong frequency. How do we restore the cell through the whole body, through the body, mind and soul, through the subconscious and the subconscious? 90% of our well-being is subconscious and 10% is conscious. I'm not a doctor, I don't diagnose and I don't prescribe. I heal through frequencies and energies, sending healing frequencies to help body to self-regulate. It increases the vibration of frequency of cells raising body vibratory level in its healthy level state. It's a different scan. Yoga na tamne kitla bada fayda thai. Yoga garbhati.
તમારું સ્ટ્રેસ જાય, તમારું માઇન્ડ રિલેક્સ રહે, તમે એક્ટિવ રહો આખો દિવસ. અને યોગામાં પ્રાણાયામ તમને મનને એટલી બધી શાંતિ મળે. સો ગાઈઝ, ઉસકે બાદ સબકો गुलाल लगाया गया, क्योंकि होली है तो ऑब्वियसली गुलाल तो लगाना बनता ही है. सब जो भी पार्टिसिपेंट थे सबको पूरा गुलाल लगा के होली का पूरा सेलिब्रेशन किया गया. तो गाइज, मेरी तरफ से भी आप सभी मेरे देखने वालों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं. आपके जीवन में खुशियां हमेशा बरकरार रहें और ये होली आपके लिए अनंत समृद्धि और सफलता लेकर आए. और आप इस रंगों के त्योहार की तरह ही अपनी जिंदगी में भी सारे रंगों की जो खुशियां हैं वो बरकरार रखें. सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड कीप इंजॉइंग विद योर लव्ड वन दिस कलरफुल फेस्टिवल. सो गाइज, इसके बाद ही सरप्राइज फन गेम फॉर लेडीज, सिंगिंग गेम. एक्चुअली इसमें सबको गाने ही गाने थे. सो गाइज, आप सारा दिन चाहे जितने मर्जी गाने सुनते रहिए, गाते रहिए, बट सडनली आपको कोई बोले ना इस टॉपिक पे सॉन्ग सुनाओ तो आपको सच में आता ही नहीं है. वही मेरा हाल था. अभी मुझे कोई गाना ही नहीं याद आ रहा था रिश्ते पे. Oh, dear.
सो गाइज, मैंने तो बहुत इंजॉय किया सबकी सिंगिंग सुनने का और गाने का भी बहुत मजा लिया। होप आप लोगों को भी ये सिंगिंग का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और देखिए यहाँ पे जो विनर टीम थी उसको फिर सबको प्राइज दिए गए। इट्स रियली वेरी एनकरेजिंग फॉर ऑल द लेडीज टू पार्टिसिपेट इन गेम्स, यू नो। सो इसमें मजा भी बहुत आता है, हर बार कोई ना कोई अमेजिंग गेम रहती है जो कि आप बहुत ही इंजॉय करते हो। सो गाइज, इसके बाद इसमें चूज की जाती है लक्की लेडी। इट इज जस्ट सरप्राइजिंगली कोई भी चूज हो जाता है। और गाइज इसमें देखिए अभी जो लकी ड्रॉ है वो भी यहीं पे सारे प्राइजेज एंड में दिए जाते हैं और उसके बाद बस मीटिंग अभी खत्म हो जाती है। સરસ એક કંપનીમાંથી સ્કૂલની તો એક બાળક બહુ સરસ રમતો હતો
પણ એની હાઈટ નથી હતી, સોરી બાસ્કેટબોલના ખેલ બધા બોલ, પણ આ નાનો હતો એટલે એને સિલેક્ટ કરવામાં આવ્યો હતો અને એ બહુ સ્પર્ધ હતો. હવે કોઈ પણ એને થતું હતું કે બીજે દિવસે મેચ હતો અને જે મેચ જે ટીમ સાથે મેચ હતો એ ટીમના બધા કેન્ડિડેટ બહુ જ સ્ટ્રોંગ હતા, એકદમ ટોલ ને સ્ટ્રોંગ. તેને થતું હતું કે મારે રીતે મારી ટીમ કદાચ હારી જશે, એના મનમાં એવું રહ્યા છે. અને આ વસ્તુ એના જે કોચ હતા ને ખ્યાલ આવી ગયો હતો, તો એટલા બધા બાળકો બધા ઉભા હતા. So guys, don't forget to subscribe to my channel for watching more about Kenya. और हम लोग किस तरह से सब चीज़ें यहाँ पे celebrate करते हैं. So subscribe कीजिए तो आपको सारे ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे. क्रिप्स भी इसमें इसी में डाल लें. नहीं नहीं नहीं, इसमें डालते हैं. अभी मुंबासा मिक्स बन गया. वाह, मैंने नहीं खाया कभी, यहीं पे खाया आके मुंबासा मिक्स. या थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस योर स्पीच. थैंक यू. Nice to meet you. Please subscribe. Have you subscribed? Yeah. Oh. So, which place in Australia? Perth. Oh, that's really nice. Thanks. No, I'm good.